तो दोस्तों ये है आपके सामने ब्रदर के तरफ से आने वाला DCP-T710W इंक टैंक प्रिंटर। दोस्तों लॉन्ग रन में इंक टैंक प्रिंटर आजकल के दिन में बहुत ज्यादा जो सस्ते पड़ते हैं, लेकिन दोस्तों ये प्रिंटर एक्चुअल में भी बहुत सस्ता है, उसका कॉस्ट भी बहुत सस्ता है, ठीक है। लेकिन फीचर्स जो बताए ये बहुत ज्यादा है। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये प्रिंटर जो है वाईफाई एनेबल है, उसके साथ आपको वाईफाई डायरेक्ट कनेक्शन मिलता है, 150 सीट्स जो है इन फिट कर सकते हो इसका कार्ट्रेज है सीट्स रखने का, उसके साथ ऊपर में अलग से डेडिकेटेड स्कैनर है जिसमें आप 20 सीट अपने आप जो है स्कैन कर लेता है, आगे आप देखते जाओ जिसमें कि आपको कर सकते हैं। अभी दोस्तों चलते हैं अनबॉक्सिंग करते हैं इसका, आपको फीचर्स ओवरव्यू और सेटअप पूरा का पूरा दिखाएंगे। तो दोस्तों देखते हैं बॉक्स में क्या क्या स्टफ है। दोस्तों खोलते ही देख पा रहे हो जैसे कि प्रिंटर में होता है ये हमारे महाराज निकल रहे। जैसे कि ये सामने देख पा रहे हो ये है पावर केबल जो कि दोस्तों बहुत बहुत ज्यादा बेहतर क्वालिटी का है, जिसको हमने खुद यूज करके देखा है। अभी तो आप अनबॉक्सिंग देख रहे हो लेकिन ये हम वॉइस ओवर में बता रहे हैं क्योंकि ये जो है हम सब कुछ यूज कर चुके हैं। ये पावर केबल सच में दोस्तों बहुत बढ़िया है, आगे प्राइस भी बताएंगे तो देखते रहिए इसमें। इसमें अभी वो सामने जो है मैनुअल देख पा रहे हो जिसमें ये कोई पड़ता नहीं है, क्योंकि आजकल के दिन में बच्चा भी एक प्रिंटर को कुछ भी सेट कर सकता है, लेकिन फिर भी जिनको नहीं आता उनके लिए पूरा सजा के दिया हुआ है। जैसे कि आप सामने और पीछे जो है देख पा रहे हो जो जिसमें एक एक जो स्टेप को दिखाया गया कैसे, अगर आपसे नहीं होता है तो ये देख के आप कर सकते हो। उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं यहाँ पे ये प्रिंटर के अगले स्टेप की तरफ। और दोस्तों यहाँ पे है ये आपके सामने ये डेटा केबल, यूएसबी डेटा केबल ही बोलते हैं, जिससे आप जो है लैन कनेक्शन, वैसे तो वाईफाई में है ये प्रिंटर लेकिन आप लैन कनेक्शन चाहो तो भी कर सकते हो। बहुत अच्छे क्वालिटी का ये केबल है और बहुत अच्छा जो है प्रिंट निकालता है, ठीक है। अभी दोस्तों आते हैं ये बॉक्स की तरफ। ये जो है ये पेपर मैनुअल है, आप सभी को पता है हर एक चीज में होता है। जिसमें ये खुलते ही मेरे को सबसे ज्यादा जो है इंटरेस्टिंग लगा इसका ये जो पेपर्स, ये ऊपर में आप देख पा रहे हो हाँ ये वाला है जो है इसका जो है रोलर जो है ये साफ करने वाला, ये दो दो दिया गया है, ये पिकअप रोलर जो है ये साफ करने वाला पूरा प्रोसेस दिया है, दो दो दिया गया है जो कि बाकी प्रिंटर में इन सरप्राइज में नहीं होता है। इसके साथ ये सॉफ्टवेयर का सीडी है लेकिन हमको ये जरूरत नहीं पड़ने वाला क्योंकि हम ऑनलाइन से ही डाउनलोड कर चुके हैं, ठीक है। और दोस्तों उसके साथ ये आपका मैनुअल है, कुछ प्रिंट आउट मतलब पेपर से, तो इसका ही प्रिंटर आपको आगे दिखाने वाला है, ठीक है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ। तो दोस्तों ये आपके सामने है ये कलर्स जो कि ये बोनस में मिलता है, फ्री में मिलता है। पहला कलर हमको खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, प्रिंटर के साथ ही जो है फ्री मिलता है, जिसमें दो ब्लैक इंक बॉटल मिलता है और उसके साथ जो है थ्री कलर इंक बॉटल मिलता है। ये है आपके सामने ये इंक बॉटल जिसमें तीन कलर है, जिसमें है मेजेंडा, येलो और सियान। ये तीन कलर मिलके, ऐसा नहीं है कि आप अलग अलग कलर देना पड़ता है, ये तीन कलर मिलके हर एक कलर जो है बना देता है। ये कलर को आपको अनबॉक्सिंग करके ये कलर जो है डाल के दिखाएं क्योंकि सेटअप तो आपके सामने ही होगा, सेटअप भी दिखाएंगे प्रिंट आउट भी करके दिखाएं। लेकिन अभी के लिए बढ़ते हैं आगे, ये थर्मोकोल के पीसेस को जो है हटाते हैं और अपने जो है महाराज मतलब जिसके इंतजार आप कर रहे हो वो प्रिंटर को निकालते हैं। दोस्तों ये देख पा रहे हो कितने अच्छे तरीके से वीडियो कैप्चर किया है ना, तो जिसमें आप देख पा रहे हो ये है कुछ बटन जिसमें बहुत सारे बटन है। ये कॉपी का बटन है, ये वाईफाई का बटन है, उसके बाद ओके का बटन है और भी बहुत सारे बटन है, ये प्लस माइनस मेनू स्कैन स्टॉप एंड एग्जिट डायरेक्ट कर सकते हो, तो ये ब्लैक एंड व्हाइट का कलर का और ये पावर वन ऑन ऑफ बटन। और दोस्तों ये जो मेन चीज आप देख पा रहे हो ना ये है मेन स्कैनर, नीचे तो ये स्कैनर है ही जिसमें आप डायरेक्ट स्कैन कर सकते हो, लेकिन आप अगर चाहो ऑटो स्कैन मतलब ऑटो फिट कराने के लिए दोस्तों ये जो ऊपर में है आप 20 सीट्स तक रख सकते हो जो अपने आप वो खींच लेगा, अपने आप स्कैन कर देगा। उसके साथ आपको इस प्रिंटर का जैसे ये जो पेपर जाता है ये आपको दिखा रहे हैं थोड़ा सा, ये पेपर आप डाल रहे हो ना इस तरीके से आप खींच लेता है वो स्कैन कर देता है। दोस्तों मेन चीज ये वाला है, ठीक है, इन प्राइस में ये सब नहीं होता है। आप अगर चाहो किसी जेरोक्स को मतलब उसके उल्टे पेज में तो डायरेक्ट मैनुअल जो है इसको आप फिट कर सकते हो, आप सामने तो कर ही सकते हो लेकिन ये मैनुअल भी पेज को डाल सकते हो। दोस्तों ये सामने का ये वाला है जिसमें आप 150 पेजेस, ठीक है, 150 पेजेस को रख सकते हो। दोस्तों ये कार्ट्रेज को निकाल के दिखाते हैं आपको जिसमें आप पेजेस रख सकते हो। दोस्तों इसे सीडी कैसेट की तरह निकल जाता है ये, जिसको ओपन करके दिखाते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। तो दोस्तों ये है इसके अंदर जिसमें आप पेजेस को रख सकते हो। देखो इसमें बहुत मतलब अच्छा जो लगा हमको, हर एक पेजेस का साइज दिया गया है, ठीक है, मतलब एडजस्ट कर सकते हो आप इसको, वो जो ग्रीन वाला आपको दिख रहा है एडजस्टर, ये इसको एडजस्टर खींच खींच के एडजस्ट कर सकते हो। दोस्तों एक चीज यहाँ पे गौर कीजिएगा, जहाँ पे हर एक पेजेस का साइज तक लिखा हुआ है, सामने भी चौड़ाई में भी और लंबाई में भी, इसमें आपको कोई तकलीफ ना हो। ये मैंने पेज खरीद लिया है, ये आप बिल्कुल भी ऑनलाइन से ना खरीदे क्योंकि पैसा ज्यादा है तो खरीद सकते हो, लेकिन ये ऑनलाइन से ज्यादा ऑफलाइन में सस्ता पड़ता है हर एक जगह में पेजेस। हाँ लेकिन प्रिंटर जो ऑनलाइन में सस्ता पड़ता है, आपको प्रिंटर खरीदने का लिंक देंगे, उसके साथ इसके जो बाकी वेरिएंट है
वो भी कर दे देंगे, तो आप देख सकते हो। और दोस्तों इस वीडियो में आपको प्राइस भी पता चल गया। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये जो कार्ट्रिज है इसको डायरेक्ट सीडी कैसेट की तरह अंदर डाल सकते हो, ये डायरेक्ट चला जाएगा दोस्तों। बहुत ज्यादा मतलब कुछ भी आवाज नहीं होता है उसके सामने। ये वाला देख पा रहे हो जो पेजेस निकल आएगा उसका सपोर्टर, मतलब डायरेक्ट जो है गिरते टाइम नीचे ना आ जाए। ये है हमारे कलर इंक टैंक, टैंक जो है जिसमें हमको इंक डालना है, तो ये भी आपको डाल के दिखाते। ये बहुत मतलब सेफ है कि डायरेक्ट इंक टैंक जो कुछ लग नहीं जाए, फट नहीं जाए, ठीक है। तो इसके लिए इंक टैंक है। चलिए आपको इंक डाल के दिखाते हैं, मतलब दो दो सेफ्टी मिलता है। ऊपर में आपको ये इंक टैंक का ये अनबॉक्स करके ये इंक टैंक में ये जो है प्लास्टिक रैपर मिलता है। ये अगर ना हो तो क्या होगा कि इंक जो है जम जाएगा, तो उसका कोई फायदा है नहीं, तो इसलिए दिया जाता है, ठीक है। तो इसको पहले आपको इंक खोलना है, हटाना है, उसके बाद वो जो कैप को है एकदम अच्छी तरीके से, ठीक है, उसको बिल्कुल भी लीक नहीं होना चाहिए, एकदम अच्छी तरीके से आप टाइट कर लो ताकि इंक थोड़ा सा भी ना गिरे, क्योंकि गिरेगा तो आपका ये वेस्ट है, एक ड्रॉप से एक पेजेस निकल सकता है, ठीक है। तो ये अच्छी तरीके से आप टाइट कर लो, उसके बाद ये नोजल को हटा दो, ठीक है। ये जैसे ही आप नोजल को हटा दोगे, उधर का जो इंक टैंक का नोजल है उसको भी आपको ठीक से हटाना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि खींच के। उसके बाद ये इंक डालने में बहुत सारा मतलब तकलीफ हुआ था मुझको, क्योंकि ये इंक इस बॉटल से निकल नहीं रहा था, बहुत अच्छे तरीके से पैक किया गया, लेकिन मेरे को बॉटल से इंक निकालने में बहुत बहुत ज्यादा परेशानी हुआ। लेकिन ऐसे आप दबा दबा कर सकते हो, ऐसा नहीं कि पूरा मुंह बंद कर दो, नहीं तो उसका बुलबुले जो बाहर आने लगेगा वो इंक बाहर लग जाएगा। मेरा जो है मेजेंटा कलर डालने के टाइम थोड़ा सा आ गया था, ठीक है। तो आप थोड़ा सा देख लो, ठीक है, इंक को ठीक से डालना है, वो कैप को ठीक से बंद करना है, जब तक ये इंक डलता है, ठीक है। आपको थोड़ा इस प्रिंटर के बारे में बता देते, मतलब अभी के टाइम में आपको इतने सारे फीचर्स, ठीक है, और बाकी प्रिंटर्स में नहीं मिलते हैं, ठीक है। और ये जो बाकी आपको प्रिंटर्स का दिखा रहे हैं, ये जो अभी से मेजेंटा कलर इसमें थोड़ा सा बुलबुला बन गया था मेरा, तो ये डालते टाइम आप बिल्कुल ध्यान से रखिए कि ये गिरे ना, और डालने के बाद अच्छे तरीके से निकाल के उसको बंद कर दीजिए, उसके बाद कैप लगाना पड़ता है। तो अभी जहां तक हम थे कि इंक डाल रहे थे, देखो ये गिर गया था मेरे को, हमने कहा था जैसे, तो ये ठीक से डालना है, ठीक है। तो ये जब तक डालता है, जैसे फीचर्स की बात करते हो, इसमें इतने सारे फीचर्स हैं, जैसे फीचर्स हैं तो हर एक कंपनी में होते हैं, लेकिन इसका फीचर्स, ठीक है, और प्रिंटिंग क्वालिटी, मतलब बहुत सारे हम डिटेल्स रिसर्च करने के बाद ही खरीदे थे, ठीक है। तो इंडिया में ये ज्यादा नहीं बिकता, लेकिन इसका क्वालिटी बहुत अच्छा, पता नहीं क्यों क्या नहीं बिकता, या फिर फीचर्स जो है बहुत ज्यादा अच्छा, लेकिन उसके हिसाब से मतलब बाकी कंपनियां तो फीचर्स देती है, लेकिन उसका प्राइस जो है बहुत ज्यादा होता है, लेकिन इसका प्राइस जो सच में हमको बहुत कम लगा, क्योंकि इतने सारे फीचर्स हैं और इतना कम प्राइस हो नहीं सकता। आपको प्राइस अभी तक इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि इसका प्राइस जो है बहुत बहुत ज्यादा वेरी करता रहता है, ठीक है दोस्तों। ये हम इंक जो है डाल दिए, ठीक है, अभी करते हैं पावर केबल को कनेक्ट, ठीक है। जब तक कनेक्ट करते हैं, ये दोस्तों आपके सामने डिस्प्ले में आ गया, जहां पे आपको कुछ टाइम डेट और ईयर ये सब सिलेक्ट करना होता है। बाकी सब प्रिंटर में कभी देखे हो क्या, इसमें ये सब सेट करना पड़ता है, मतलब बिल्कुल डिटेल तौर पे है। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है प्रेस ओके, तो चलिए दोस्तों ये जो है हम ओके प्रेस कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमको क्या है, डेट और टाइम जो है सेट करना है। तो अभी दोस्तों ईयर को सेट करने के लिए 2019 चल रहा है, आपको पता है मेरे को डेट टाइम सेट करने में थोड़ा सा तकलीफ हुआ था, मंथ सेट कर दिए थे जल्दी जल्दी, लेकिन डेट टाइम को क्योंकि मेरे को याद नहीं था, ठीक है, तो वो थोड़ा सा सेट कर लिए थे। जहां तक हम फीचर्स के बारे में थे दोस्तों, जैसे कि आपको बताएं, मतलब ये प्राइस रेंज में ये प्रिंटर नहीं मिलता दोस्तों, आप अगले आगे तक बने रहो, क्योंकि इसका प्रिंटिंग क्वालिटी देखोगे तो दोस्तों सच में आप मोहित हो जाओगे, क्योंकि संस्कृत भी थोड़ा यूज कर ले रहे हैं आप। तो सच में दोस्तों ये प्रिंटर का प्रिंट क्वालिटी सच में अमेजिंग है, और मैं इस प्रिंटर को 7 डे यूज करके बहुत ज्यादा सेटिस्फाई हूँ, इसलिए आपको ये बता रहे हैं, ठीक है। मतलब ये वीडियो तो कैप्चर कर चुका, लेकिन हमको लगा कि आपको पूरा रिव्यू भी एक साथ बताएंगे। बहुत सारे प्रिंट आउट निकाले कलर में, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट में बहुत सारे प्रिंटर निकाले, मुझे अभी तक इसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं लगा। ऊपर में स्कैनर से भी निकाले थे, वो जो मैनुअल पेज लोडर है दोस्तों वो सच में दोस्तों बहुत अच्छा है। देखो दोस्तों हर एक चीज में सेंसर लगा हुआ है, ये यहाँ पे कर रहा था इंक टैंक फुल, वो जो है उसको कैप को हटाने को कहा, कैसे, उसमें सेंसर लगा हुआ है, अगर नहीं खुलता तो वो नहीं होता, ठीक है। तो अभी ये हो चुका है अप्रोक्सीमेटली, मेरे को 6 मिनट दिखाता है, जब तक दिखाता है आपको ये बहुत अच्छा बढ़िया चीज दिखा देता है। ये देखो दोस्तों सबसे ज्यादा ये डेटा केबल जो है बीच से जाता है, ठीक है। और दोस्तों सबसे अच्छा बात, इसमें लगा हुआ है हाइड्रोलिक, कोई प्रिंटर में देखे हो दोस्तों इतना अच्छे कम प्राइसेस में हाइड्रोलिक लगा हुआ है दोस्तों। डेटा केबल देखो एकदम बीच से जा रहा है, एकदम पीछे से निकल जाएगा, किसी को दिखेगा भी नहीं,
मतलब अगर आप मैनुअली लैन में भी कनेक्ट कर रहे हो तो लोगों को लगेगा ये वाईफाई है, वाईफाई तो है ही, लेकिन आप लैन से भी करोगे तो वाईफाई लगेगा। देखो एकदम फीचर सेपरेट होके चला गया। और उसके साथ सबसे अच्छा जो फीचर है हाइड्रोलिक है, उसके साथ आप इसको थोड़ा सा दबा के, जैसे जैसे हम दबा रहे हैं ठीक है, दबा के छोड़ दो तो ये अपने आप जो है बंद हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा भी जो है साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा, मतलब अपने आप जो बंद हो जाएगा, मतलब आपको सिर्फ दबा देना है। देखो यहाँ पे हो गया है, यहाँ पे प्रेस टू स्टार्ट दिखा रहे, तो इसको हम स्टार्ट कर देते हैं ठीक है। और दोस्तों जैसे स्टार्ट क्लिक किए तो इसका जो है प्रिंटिंग जो है शुरू हो गया, जिसमें हमको एक जो है स्टार्ट जो प्रिंटिंग दिखेगा, जिसमें ये थोड़ा सा प्रिंट होकर दिखाएगा कंफर्मेशन जो है इंक, जिसमें आपको उसमें वो कहेगा कि सब कुछ सही है, जैसे ये जो है रेड वाला मेजेंटा है, सियान है, येलो है, ब्लैक है, तो ये क्या सही सही आ रहा है नहीं आ रहा है, तो उसको बताना पड़ता है क्लीनिंग करने के लिए। तो ये बता दिए चलो सही है। अभी आपको जैसे बताएं वो पेपर का प्रिंट आउट निकालने वाले थे, चलो ये उस पेपर का भी प्रिंट आउट निकाल देते हैं, आपको दिखाते हैं कैसा है इसका प्रिंट आउट। दोस्तों कितना फास्ट और कितना एक्यूरेट, मतलब एकदम भी कलर का इधर उधर नहीं होता है, सेम सेम मिल जाता है, अभी आपको देखने को मिलेगा। तो आपको जैसे बताएं इसमें ऑटो का तो आप दिखा दिए पहले वाला जो अपने आप निकला, अभी मैनुअल फीडर का भी आपको दिखाते हैं। जैसे कि हमको अगर चाहें कि कोई जीरोक्स निकाल रहा है तो सामने का तो निकल गया, लेकिन पीछे का अगर निकालना चाहे तो क्या फिर से कार्ट्रिज में भरेगा? नहीं, वो मैनुअल से फिट कर सकता है। तो दोस्तों वो पीछे जो मैनुअल से हम डाल के आपको दिखा रहे हैं ये प्रिंट आउट निकाला, तो देखो वो पेपर जो है खींच लिया और इधर से कुछ ही टाइम के अंदर देखो अभी निकल भी गया, अभी तो घुसा था लेकिन अभी निकल भी गया, तो क्या है इधर से तुरंत ये जो है पेपर निकल गया। हाँ, और बहुत ज्यादा मतलब कलर जो है प्रिंट आउट इतना जल्दी नहीं होता है, आप सभी को पता है ठीक है। अभी इसका जो है हम मोनो निकालने वाले, मोनो मतलब ब्लैक एंड व्हाइट में, कलर में आपको दिखाती है ब्लैक एंड व्हाइट, फिर आपको कंपैरिजन दिखाएंगे असली और नकली वाले में क्या है। आपको अगर ये प्रिंट आउट लिखा, नीचे तो लिंक दिया गया है, हाँ डिस्क्रिप्शन में आपको अमेजोन का लिंक दिया गया है, जिसमें आप प्रिंटर का प्राइस और पूरा डिटेल्स चेक कर सकते हो, इसके जो है और भी जो वेरिएंट आते हैं उसके भी ठीक है। अभी दोस्तों आपको कंपैरिजन करके दिखाते हैं कि असली वाले और नकली वाला मतलब प्रिंट आउट कौन सा। देखो समझ आ रहा है, देखो ये ग्लॉसी पेपर है इसलिए चमक रहा है, लेकिन अगर आप प्रिंट आउट की बात कर रहे हो तो थोड़ा सा भी समझ आ रहा है कि कौन सा का कॉपी कौन सा है, मतलब किससे कौन सा असली है किस और उसका कॉपी कौन सा है, दोनों सेम है लेकिन जैसे कि आपको बताया बहुत सारे रिसर्च में खरीदे थे, रिसर्च के बाद तभी हमको इतना अच्छा मिला है, बहुत ज्यादा रिसर्च किए, ये आप मोनो में देख पा रहे हो। तो बिल्कुल दोस्तों बहुत अच्छा प्रिंटर है। तो दोस्तों ये था कुछ प्रिंटर का रिव्यू, आपको अगर पसंद आया हुआ है तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक दिया गया है अमेजोन का। और दोस्तों आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हुआ है और आगे भी ऐसे वीडियो चाहते हो तो जल्दी से दोस्तों आपके ही चैनल है ट्रेंड इन इंडिया चैनल, इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम ऐसे ट्रेंडिंग में लाते हुए टॉपिक और ये क्वालिटी वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों खत्म करते हैं आज का वीडियो, कल मिलेंगे ऐसे दमदार यूनिक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।